सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। जींद विधानसभा सीट के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए जींद में 3000 पुलिसकर्मी, 500 होमगार्ड के जवानों के साथ सीआरपीएफ और आरएएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं। जींद में 1,70,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार आयोग ने 174 बूथ केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 32 संवेदनशील, 36 अति संवेदनशील बूथ हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पूरे शहर को 6 जोन में बांटा है। जींद में 51 स्थानों पर नाके लगाए गए हैं। इस बार वोटिंग के लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट भी लगाई गई हैं, ताकि वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद ये देख सकें कि उन्होंने किसे वोट दिया है। जींद उपचुनाव के लिए वोटिंग का टाइम जो है वो शुरू हो गया है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे शहर में तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 174 जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं। 32 ऐसे बूथ हैं जो सेंसिटिव हैं और 26 ऐसे बूथ हैं जो हाइपर सेंसिटिव बनाए गए हैं। इस बार की वोटिंग के लिए हम आपको बता दें कि महिलाओं के लिए स्पेशल एक पिंक बूथ बनाया गया है। पीजी जो कॉलेज है वहाँ पर, ये ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पिंक बूथ है जहाँ पर तमाम महिलाएं होंगी। तमाम महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, तमाम महिला कर्मचारी यहाँ पर होंगे। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए एक बूथ बनाया गया है, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो, दिव्यांग जो है वो पूरी अपने ढंग से वोट दे सकें। इसकी पूरी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है, और तमाम सुरक्षा को देखते हुए 3000 जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं, 500 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एक आरएएफ की कंपनी और एक सीआरपीएफ की कंपनी तैनात की गई है, ताकि तुरंत तमाम जो मतदान है वो पूर्ण तरीके से और शांतिपूर्वक ढंग से हो सके। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवान, एमएचओ न्यूज़, जींद।